कानपुर के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले 5 लाख का इनामी विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया। कानपुर ला रही एसटीएफ गाड़ी पलट गई, उसने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। कल ही विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया था। वारदात के बाद से फरार विकास यूपी, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश पुलिस को चकमा देकर दर्शन करने मंदिर पहुंचा था। गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी एसटीएफ को सौंप दिया। हादसे को लेकर यूपी एसटीएफ के अफसर अभी कोई बोलने से बच रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि तेज बारिश और गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से गाड़ी पलट गई। भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि गाड़ी पलटने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे, उसने हथियार छीनने की कोशिश की थी। एसएसपी और आईजी हैलट पहुंचे। एसएसपी और आईजी हैलट पहुंच गए हैं। कानपुर से करीब 2 किलोमीटर पहले यह हादसा हुआ है, कुछ लोग घायल हुए हैं। कानपुर के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले 5 लाख का विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया।